चलो चलो रिदा, बड़ा प्यारा सूट लग रहा है तुम्हें। थैंक यू, बहुत प्यारा लग रहा है वाकई, पहना भी अच्छा लग रहा है वैसे। थैंक यू, थैंक यू। ये है वो लड़का जो खाता भी कुछ नहीं और हेल्दी होता जाता है, ये देखें कुछ नहीं खाता। बैठी खूबसूरत साइमा जी को देखेंगे, ओ माय गॉड, मैचिंग मैंने सही की ना दुपट्टे की। बता नहीं सकते ना, इतने ज्यादा है। अच्छा आप कुकिंग करते हैं यहाँ पे? जी जी। ये जो हम मजे मजे के रोज खाने खा के जाते हैं वो आप बनाते हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे जी मैं जा रही हूँ नाजिया की तरफ, उनको उनके उम्रे की मुबारकबाद देने के लिए। ये ब्लू कलर का पर्स मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि मेरा जो है ड्रेस वो थोड़ा सा ब्लू है, और थोड़ा सा नहीं पूरे ब्लू है, और वो मुझे किया था साइमा ने गिफ्ट मेरी बर्थडे पे, और उसके अंदर पिंक कलर का वर्क है, और उसके लिए मुझे दुपट्टा ढूंढना पड़ेगा पिंक कलर का, अभी मैं वो ढूँढूँगी। ये मेरे पास एक लॉन का ड्रेस पड़ा है, ये मैं लाली को स्टिच करवा के दूँगी क्योंकि ना लाली के पास कपड़े नहीं हैं, तो लाली को स्टिच करवा देती हूँ। दो चार जोड़े तो हैं उसके पास, लेकिन गर्मी बहुत है तो उसको और चूल्हे का काम भी करना होता है, तो ये लाली के लिए स्टिचिंग करवानी है। मैंने कहा चलें इस ब्लॉग में मैं आपको ये भी बता दूँ। तो ये जी लाली के कपड़े स्टिच होके आएंगे, जब वो पहनेगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी, फिलहाल स्टिचिंग के लिए देते हैं। तो ये जनाब ये मेरी फुल तैयारी है, ये देखें ये मेरा एथनिक का ड्रेस, और ये मुझे जी साइमा ने गिफ्ट किया था, मैं आज फर्स्ट टाइम इसको वेयर कर रही हूँ। ये मेरा जी एथनिक का ड्रेस है, और दुपट्टा साथ मैंने ये पिंक मैच किया है, पिंक इसके साथ मैच किया है, ठीक है। ये देखें शूज़ मेरा इंसिग्निया का, और बस अभी मैं रेडी हो गई, पर्स भी मेरा इंसिग्निया का भाई, तो बस अब मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, चलते हैं फिर आगे चल के मिलते हैं। चलें जी, तो खाली हाथ नहीं जाऊंगी मैं, उनके लिए गिफ्ट लेके जाऊंगी, कोई चीज़ लेके जाऊंगी। तो ये जी चलें, ये गाड़ी में रखो, जैसे सीट पे ही रख दो, ठीक है, जाओ शाबाश। शूज़ कहाँ है आपका जनाब? पहने शूज़। और यहाँ पे जी ये कपड़े फोल्ड हो रहे हैं, कपड़े तो नहीं ये सारे मेरे दुपट्टे आए, क्योंकि दुपट्टे मैच करना था अपने सूट के साथ, तो ये मेरे इतने सारे दुपट्टे एक्स्ट्रा दुपट्टे जो मैंने रखे हुए मैचिंग के लिए, ये सारे मेरे दुपट्टे, ये भी मेरे दुपट्टे। तो ये यहाँ पर जी बुशरा जो है ना, बुशरा रानी, वो बैठी ना दुपट्टों को कर रही है फोल्ड, और प्रेस नहीं करेगी, बिजली बचाएगी, बस फोल्ड करके एक दफ़ा रख देगी, बाद में सुकून से करेगी। लाली लाली किधर है? पूरा था देखे जी, लाली ये हमें चादर धो के देगी अभी, बड़ी प्यारी सी करके लाली ये चादर धो देगी, और फिर हम इसको बिछाएंगे बेड पे। चलो लाली शाबाश। क्यों कुछ भेज रही है? पता नहीं आज कोई नहीं जावना, उम्मीद को आज का नहीं जावना। क्या कह मैं अच्छा मैं हर रोज़ भूल जाती हूँ, तो अच्छी अच्छी रील्स के लिए ना मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर उसको फॉलो कीजिएगा। मुझे किसी ने कहा था कि प्लीज़ लिंक शेयर कर दीजिएगा, तो मैं वो कर दूँगी। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात बताते जाऊँ कि मेरी जो व्लॉग्स देखते हैं उनको अक्सर मेरे दोस्तों के मिलने वालों के नाम अब याद हो गए होंगे, तो उनमें मैं अक्सर नाजिया का भी जिक्र करती हूँ, सबके नाम लेती हूँ क्योंकि बात करते हो तो नाम लेते हैं। तो नाजिया जी जो हैं वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहनों जैसी दोस्त हैं, और वो उम्रा करके वापस आई हैं, और लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया भी है कि उन्होंने मुझे जब वो डिनर पर आई थी तो तबरक और बच्चों के लिए चीज़ें सब कुछ लेके आई थी, अब उनको मुबारक देने का प्लान बना है, तो कुछ फ्रेंड्स हम मिल के जा रही हैं। और नाजिया इसलिए भी ख़ास है, वैसे तो काफ़ी लोग आते जाते कि उन्होंने वहाँ बैठ के भी हमें याद रखा, स्पेशली मुझे, मेरे शौहर को, मेरे घर वालों को, मेरे पेरेंट्स को, सब के लिए उन्होंने वहाँ पे बैठ के दुआएं की, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम लोग जी आए हैं उनको मुबारक देने के लिए उनके घर। और वैसे भी इन पाक जगहों पे जब आपको कोई याद करे ना तो दिल बहुत खुश होता है कि उन्होंने हमें वहाँ जा के भी याद रखा। पास तो आप मैसेज भी कर लेते हैं, फ़ोन भी कर लेते हैं, लेकिन इन जगहों पर जब आपको कोई याद करता है ना तो बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा हाँ, ये तुमने गिफ्ट किया था ना, ये देखे नाजिया का भी बड़ा प्यारा लग रहा है ना। मेरी वीडियो में तो सर कटे लोग ही होते हैं, अब तो लोग लिखते हैं सारे ही सर कटे, अब तो लोग कहते हैं सारे ही सर कटे। दिखाती हूँ मैं, मैंने गुस्से बनाई नहीं जनाब, ये साइमा जी पहले ही बैठी है, खूबसूरत साइमा जी को देखेंगे, ओ माई गॉड, मैचिंग मैंने सही की ना दुपट्टे की है ना, हाँ मैं वही, मैंने कहा आज पहन ही लूँ पहले, दूसरे गाइस ने पहचान ली होगा, हाँ ये मुझे बिल्कुल साइमा ने दिया था, मैं भी बता के आई हूँ स्टार्टिंग में।
यहाँ जी मैं नाजिया को मिलते हुए वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है, और कोई होता तो शायद पीछे से बना देता। और अब मैं नाजिया बाहर गई हूँ तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा उनका ड्राइंग रूम दिखा दें। उनका ड्राइंग रूम बड़ा प्यारा, मतलब बहुत सलीके से उनका ड्राइंग रूम सजा हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से। आजकल मैं सूट दे देती हूं दुपट्टे रख लेती हूं। ड्राइंग उनका यही है। साइमा का सूट बड़ा प्यारा लग रहा है। साइमा मैं आपको खड़े दिखाऊं? बहुत अच्छा लग रहा है। ये कौन सा है जरा बताओ? ये लैला है, सफायर का। कलर तुम्हें सूट कर रहा है, शुक्र है मरा मुख्य कलर नहीं। हाँ। हमेशा मरे मुख्य रंग पहनती है साइमा। कहती है कि बढ़िया तुमने ना पसंद रंग बदला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ने तो तुम्हें कहा, वरना तो वो सच्ची है बेचारी। और यहाँ पे थी क्योंकि गर्मी बहुत थी, सब 4 बजे का कह के हम सभी लेट आए हैं क्योंकि इतनी गर्मी में निकला नहीं जा रहा था। और यहाँ पे ये देखें जी, हमारे बड़े प्यारे प्यारे दोस्त और आ गए हैं। इनमें आमरा आई हैं बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता लेके फूलों का नाजिया के लिए, साथ ही हमारी जी प्यारी पिंकी, प्यारी पिंकी भी आई हैं। और पिंकी का वैसे हमें नहीं पता था, ये सरप्राइज़ ही है पिंकी का कि वो भी आ रही हैं। और यहाँ ये देखें जी, आपस में गले मिला जा रहा है एक दूसरे को तो नहीं, नाजिया को मुबारक दी जा रही है। और यहाँ पे आप साथ देखें, ये गिफ्ट्स भी हैं साथ नाजिया के लिए जी, सिर्फ फूल नहीं है साथ गिफ्ट्स भी हैं। और क्या है, और यहाँ कॉप इतने तो पहने जा सकती है। जनाब आप जारा जी इसने लेट ही आई ना, आ गए चुप कर हूं बस इसे जल्दी। सना भी लेट हो गई ना, मैं सना की वजह से। चलो अच्छा ठीक, कोई बात क्या है, पॉइंट हो, मैं भी पूछ रही थी सना से। अच्छा रीता जी बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मैं हूं ही प्यारी, ये भी मैंने गिफ्ट तेरी कला दी, हम लगेंगे। मैं किधर संभल का कमाल नहीं है, मैंने देख लिया। और यहाँ पे जी हमारी प्यारी फ्रेंड्स में सब भी तकरीबन आ चुकी हैं। और ये आ गई हैं जी रिदा जी। रिदा जी ने भी बहुत प्यारा ड्रेस पहना हुआ है। और ये हैं जी शफक, खूबसूरत शफक, इन्होंने भी बड़ा प्यारा कलर पहना हुआ है। गर्मियों के हिसाब से तो बड़ा अच्छा कलर है। ये भी गिफ्ट्स और केक वगैरह लेके आई हुई हैं। और अभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाके ज़रा नाजिया को देखूँ क्या करी, इतनी गर्मी में वो हमारे लिए क्या करती फिर हैं, ज़रा जाके चेक करूँ। हमारी खातिर इतनी गर्मी में ना बैठो ना, वो आपका खानसामा कहाँ गया? ये क्या इधर आओ शिको, इधर आओ तुम्हें, इधर सामने वाले तो इधर आ जाना। अच्छा आप तुम हट दो, शिकू को आने दो, बता नहीं सकते ना इतने ज्यादा है। अच्छा आप कुकिंग करते हैं यहाँ पे? जी जी। ये जो हम मजे मजे के रोज खाने खा के जाते हैं वो आप बनाते हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? नाम शकील है। शकील, शकील बनाता है शिकू? साथ रेसिपी भी पूछे ना, रेसिपी पता चल जाएगा। नहीं इतने मजे मजे के खाने की जो पार्टी होती है, हमारे यहाँ खाना होता है वो सारा कुछ आप करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये दो कुक है ना? अच्छा ये भी कुक है, ये भी कुक है। सही सही। ये इनका क्या नाम है? असगर अली। नहीं खाने तो मजे के होते हैं ना जी, की ये बात नहीं है। अब वो शिकू पकाता है कि असगर अली, ये तो बीच का सीक्रेट है। चलो थैंक यू, थैंक यू। चलो ये है वो लड़का जो खाता भी कुछ नहीं और हेल्दी होता जाता है। ये देखें, कुछ नहीं खाता। ये आपके लिए? सॉरी गाइस, ये बुखार ही रहा, वो मेरे लिए बना रहा है। नहीं ये देखें, ये बाकी खा रहा है। नहीं ये ऊपर गिर गया, गिर गया। मैं तो कहती हूँ ये हमने अपनी लाइफ, मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी, ये यहाँ पे जी सना जी और साइमा जी खड़ी होकर वीडियो बना रही हैं। ये बाकी सारा खाना देख ही लेंगे खाते हुए। ये देखे गाइज, ये क्या है, ये मजे की कोई स्वीट डिश बनाई है। साथ यहाँ पे जी इन्होंने बनाया है चॉकलेट डिलाइट है, साथ नगर्स, ये समोसियाँ, ये रोल्स, दही भल्ले मेरे फेवरेट। और ये देखें जी बहुत कुछ नाजिया ने बना दिया है। ये आवाज़ हालांकि बीच में आनी नहीं है। और यहाँ पे जी ये इतनी सारी चीज़ें ना नाजिया ने खुद अकेले बैठ के, मतलब थोड़ी बहुत हेल्प तो हर बंदा ही लेता है, लेकिन ये है कि उन्होंने इतनी गर्मी में किचन में बैठ के ये सारी चीज़ें बनाई हैं। उनकी जो थी सुई गैस वो भी नहीं आ रही थी, पहले छोटा सिलेंडर चलाई बैठी थी, बाद में गैस आई। और बड़े मज़े के उन्होंने यहाँ पे ये देखे गुलाब जामुन तक घर में बनाए हैं। और ये चिकन बहुत मज़े का बना हुआ था, और समोसे, और ये सारा कुछ। और ये देखे डोनट टाइप नगर्स थे, ये भी बहुत मज़े के। हर चीज़ बहुत ही मज़े की बनी हुई थी, लेकिन उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा तकल्लुफ़ किया। हम तो बस अचानक मुबारक देने गई और उन्होंने हमें हाई टी करा दी। मतलब ये इतना नहीं करता था, बनता था आज के दिन, लेकिन उन्होंने हमारे लिए बहुत तकल्लुफ़ किया। और आफ्टर पार्टी जरा देखें कितना इंसाफ किया सबने। ये प्लेट खाली, क्या छोड़ा, ये कम खाया है,
बाकी हर चीज के साथ बहुत साफ है। यहाँ पे जी नाजिया के घर हमें बिल्कुल टाइम का पता नहीं लगा और ये आमरा जी जा रही हैं सबसे पहले, क्योंकि वो ख़ुद गाड़ी ड्राइव करके आई हैं और वो अकेली हैं और उन्होंने जाना है पहले। और मैं हम लोग बैठे हैं चाय के वेट में, क्योंकि अब चाय बन रही है तो पी के ही जाएंगे। चलिए चाय तो बहुत ही मज़े की है, लेकिन साथ ही ये देखें ना, ये टी सेट है ये भी बहुत खूबसूरत है। तो आजकल जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की ना, थोड़ा बर्तन शर्तन कपड़ों शपड़ों में नज़र होती है, तो ये देखें टी सेट बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे, और चाय तो फिर है ही मज़े की। बस ये इतनी गर्मी में नाजिया हमारी वजह से मुश्किल में पड़ गई, किचन में इतनी गर्मी बर्दाश्त की, और यहाँ अब नाजिया को मिला जा रहा है, इजाज़त ली जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया का, और बहुत अच्छा लगा मिलके, और बहुत मज़े की हर चीज़ बनी हुई थी, जितनी तारीफ की जाए काम में। चलो आ जाओ मैं तो छोड़ दूंगी, मैं तो कह रही हूं अली आ गया, अब मुझे कोई भी नहीं है। अब हम जाने लगे हैं, बहुत अच्छा किया इत्माम नाजिया ने, बहुत तकल्लुफ किया। आइदे आ जा, हां बाहर होएंगी तू, आ जा। चलो रिदा बड़ा प्यारा सूट लग रहा है तुम्हें। थैंक यू, बहुत प्यारा लग रहा है, वाकई पहनना भी अच्छा लग रहा है वैसे। थैंक यू। चलो नन्ने मुन्नो अब हम जा रहे हैं, आ जाओ यार। तुम्हारा कौन आया? अच्छा जारा के साथ हूँ, चलो ओके फिर ओके। यहाँ पे जी सब लोग जा रहे हैं अपने घरों को, लेकिन मैं सब बेशक लेट हो गई, लेकिन मैं अभी जाऊंगी ब्राइडे मार्ट, वहाँ मैंने लेना जी हुसैन के लिए गिफ्ट। और मैं सब मदर्स को ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों पे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो हुसैन एक शाये बच्चा है, स्कूल में थोड़ा शाये रहता है, घर में शाये नहीं है, बहुत शरारती है, बहुत बोलता है, लेकिन स्कूल में थोड़ा शाये, तो उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ से जी मैं उसके लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें लूँगी, चॉकलेट केक्स और साथ छोटा सा कोई गिफ्ट लूँगी। तो बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, हर मोड़ पे करना चाहिए, ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं होता आप उनको कोई महंगी चीज़ दें, छोटी से छोटी चीज़ भी दी जा सकती है। जैसे मैंने यहाँ से कुछ पेंसिल्स लिए, कुछ चॉकलेट्स लिए, चॉकलेट तो नहीं ली, कुछ केक लिए, और कुछ बड़ी सस्ती सी चीज़ें उसने खुद कही हैं जो मैं रास्ते से लूँगी, और एक छोटा सा गिफ्ट लूँगी। वैसे उसकी तो फरमाइश काफ़ी बड़ी है, मतलब ड्रोन ले आओ, उड़ने वाला जहाज़ ले आओ, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है ऐसी चीज़ें, क्योंकि थोड़ा सा गिरती हैं और ये टूट जाती हैं, सिर्फ पैसों का नुकसान ही होता है। ये जहाज़ वगैरह जो उड़ने वाले लिए जाते हैं कुछ, तो यहाँ पर मैं उसके लिए रेज़र ले रही हूँ, पेंसिल ले रही हूँ, साथ एक छोटा सा गिफ्ट लूँगी जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं क्या लूँ। तो मैं उसको व्हाट्सएप कॉल मिलाऊँगी, और फिर जो वो बताएगा वो मैं उसके लिए लूँगी, और फिर उसके लिए करेंगे बास्केट तैयार, घर जाके उसकी बहनों से बास्केट तैयार करवाऊंगी, क्योंकि मैंने उसको अप्रिशिएट करना। और अपने बच्चों को आप लोग भी ज़रूर अप्रिशिएट किया करें हर चीज़ के लिए। पे मेरा वेट कर रहा है, चल बड़ी होगी, अंदर चल, सरप्राइज़ मिलेगा हुसैन का जी, गिफ्ट ले आई हूँ, इसको सरप्राइज़ देना, चल अंदर। क्यों बताऊँ, हो सकता कुछ भी ना लाई हूँ। ओह शोखियाँ, चलो अंदर भागो। ये देखें जी हुसैन अलम ने स्कूल में अच्छा परफॉर्म किया था, उसकी यहाँ पर जी गिफ्ट और बास्केट तैयार हो रही है, और उसको हमने कमरे से बाहर भगाया हुआ है, ठीक है। ये उसका गिफ्ट ज़रा चेक करें, ये उसके लिए गाड़ी शाड़ी, ये उसको प्रॉमिस था मेरा कि अच्छी परफॉर्मेंस करेगा तो उसको देंगे, तो ये उसका गिफ्ट है जनाब, ये पेंसिल्स भी ली हमने। वाह जी वाह, गिफ्ट है, आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वेल डन, माशाल्लाह माशाल्लाह। उधर देखो तो यहाँ पे जनाब हुसैन बहुत खुश है। हुसैन थोड़ा सा शाये बच्चा है स्कूल में, घर में नहीं, तो इसको अप्रिशिएट करना पड़ता है कि अच्छा परफॉर्म करे, पढ़ाई में अच्छा हो जाए। और अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना भी चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें देके, ज़रूरी नहीं होता कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें दी जाएँ। और हुसैन यहाँ गाड़ी लेके बहुत खुश है, चीज़ें लेके बहुत खुश है, और ये चीज़ें वो पूरे घर में सबको बांटता फिर है। तो इसके साथ दे जी इजाज़त, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।